हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक इन माय रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट में बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी और इसके विंड एनर्जी क्या होती है, इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं विंड एनर्जी क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज द विंड एनर्जी। विंड इज सिंपल एयर इन मोशन। ठीक है, हवा क्या है, एक सिंपल एयर इन मोशन। हवा एक टाइप का हवा जो है मोशन में रहता है। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाई द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस बाई द सन। ठीक है, यह कैसे पैदा होता है, जो हमारी पृथ्वी गर्म होती है, जब हमारी पृथ्वी गर्म होती है तब क्या होता है, हवा पैदा होता है। ठीक है, सिंस द अर्थ सर्फेस इज मेड ऑफ वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स एंड वाटर, इट एब्जॉर्ब द सन्स हीट एट डिफरेंट रेट। सिंस द अर्थ सर्फेस इज मेड ऑफ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड एंड वाटर, जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत प्रकार के लैंड्स में जमीन और पानी से बनी हुई है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब द सन्स हीट एट डिफरेंट रेट्स, और हमारी पृथ्वी जो हीट एब्जॉर्ब करती है वो भिन्न भिन्न रेट पे करती है, मीन डिफरेंट रेट पे एब्जॉर्प्शन हीट होता है। ठीक है, एनर्जी Derived from wind velocity is wind energy. ठीक है, energy derived from wind velocity, जो wind velocity से energy निकलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, wind energy. ठीक है, जो हम wind velocity से energy को absorb करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, wind energy. ठीक है, ये यहाँ पे main बात है, energy derived from wind velocity is wind energy. इट इज़ अ नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी विच इज रिन्यूएबल विथ सुटेबल डिवाइस। ठीक है, यह एक नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि रिन्यूएबल इन नेचर है। कैसे, किसी डिवाइस के मदद से हम इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड एज अ पेरेनियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी को हम 12 महीने भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेरेनियल मीन्स 12 मासी। ठीक है, 12 महीने तक भी यूज कर सकते हैं, लगातार यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी इज ऑब्टेंड विद द हेल्प ऑफ विंड मिल। विंड एनर्जी कैसे प्राप्त किया जाता है, विंड एनर्जी कैसे प्राप्त किया जाता है, विंड मिल की सहायता से। ठीक है, द मिनिमम विंड स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर इज कंसिडर टू बी यूजफुल फॉर वर्किंग विंड मिल्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, जो एग्रीकल्चरल कार्यों के लिए, जो मतलब कृषि कार्यों के लिए विंड मिल्स प्रयोग किए जाते हैं, उसकी उस टाइम उसके लिए उस विंड मिल ऑपरेशन के लिए मिनिमम जो विंड स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 10 किलोमीटर। ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और पूछा भी जाएगा, और ये मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि द मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ विंड मिल, तो कितना जो मिनिमम विंड हवा की स्पीड होती है वो कम से कम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाहिए विंड मिल को चलाने के लिए। ठीक है, अलोंग द सी कोस्ट एंड हिली एरियाज विंड मिल आर लाइकली टू बी मोस्ट सक्सेसफुल इन कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, मीन्स सी कोस्ट एंड हिली एरिया के अलावा भी कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात में भी विंड मिल सक्सेसफुल्ली ऑपरेट किए जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे समुद्र के किनारे होती है जमीन, जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पे हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, और पहाड़ पे, हिली एरिया मीन्स ऊंचाई वाले जगह पे भी हवा की स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, सपोज दैट ऑलवेज देयर इज ऑलवेज विंड स्पीड ऑन सरफेस लेवल। ठीक है, क्या होता है, जीरो। ठीक है,
अब फिर जैसे जैसे सरफेस लेवल से ऊपर बढ़ते जाते हैं, एक सर्टेन हाइट तक विंड स्पीड मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है। द विंड एनर्जी वेरीज फ्रॉम टाइम्स टू टाइम्स एंड प्लेस टू प्लेस। विंड एनर्जी समय समय के साथ बदलता रहता है और जगह समय टू समय, ठीक है, और स्थान से स्थान बदलता रहता। मतलब कि गुजरात में विंड स्पीड इतनी है तो हमारे महाराष्ट्र में कितना होगा, सॉरी गुजरात में विंड स्पीड इतनी है तो हमारे यहाँ पे बीकानेर में कितना होगा, कुछ और होगा, मीन्स डिफरेंट होगा, मीन्स यहाँ हो गया गुजरात, यहाँ हो गया बीकानेर, ठीक है। तो दोनों जगह विंड स्पीड सेम नहीं रहेगी, ठीक है, मीन्स ये बदलती रहेगी। मीन्स 10 बजे अभी मान लो विंड स्पीड 5 किलोमीटर पर आज के स्पीड से आ रही थी, लेकिन यहीं दोपहर के 2 बजे कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। मीन्स टाइम के साथ भी विंड स्पीड बदलता रहता और स्थान के साथ भी, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन सम स्टोरेज फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड। इसके कारण से विंड एनर्जी को स्टोरेज करने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा एक सेल हो गया, ठीक है, और सारी चीज़ें। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज कन्वर्टेड इंटू यूजफुल शाफ्ट पावर बाई विंड मिल, ठीक है। जब हवा बहता है तो उसमें कौन सी एनर्जी रहती है, के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उस काइनेटिक एनर्जी को यूजफुल वर्क ऑफ एनर्जी में बदलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, शाफ्ट की, ठीक है, यूजफुल शाफ्ट पावर, ठीक है। एक शाफ्ट पावर के माध्यम से हम अपने विंड मिल से पावर को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जनरल एप्लीकेशंस ऑफ विंड मिल्स आर पंपिंग वाटर। जनरली जो हमारे विंड मिल है वो किस लिए उपयोग होते हैं, वाटर पंपिंग के लिए, फॉडर कटिंग के लिए मीन्स चारा काटने के लिए, पानी पंप आउट करने के लिए, ग्रैंड ग्रीडिंग के लिए, जनरेशन ऑफ पावर एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब कार्यों के लिए क्या होता है, हमारा विंड मिल उपयोग किया जाता है। इन इंडिया विंड स्पीड लाइज बिटवीन 5 to 20 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। इंडिया में देखा गया है कि विंड स्पीड कितने से कितने बीच वैरी करता है, 5 से 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वैरी करता है, ठीक है। द विंड एनर्जी इफ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन इट विल बी अनसर्टेन टू जनरेट पावर। अगर हम विंड एनर्जी को पावर जनरेशन के लिए उपयोग कर रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो यह उसमें इनेबल रहता है मैक्सिमम केस में, ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट नहीं कर पाता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द विंड एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विंड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस, टोपोग्राफी, स्केल ऑफ द आवर्स, मंथ और ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस, ये दोनों चीज़ें, एक ये सपोज डेट प्लेस है, ठीक है। अभी हम जहाँ पे हैं, यहाँ मान लो हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो यहाँ का लैटिट्यूड कुछ और होगा, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। तो हर प्लेस का जो हमारा गूगल मैप है आप उस पर देखेंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिस्क्राइब रहता है, ठीक है। तो आप अभी आपको अपना लोकेशन शेयर करना है, आपने बोल दिया कि हम 42 डिग्री 3 मिनट्स और 43 सेकेंड पे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड भी आपने बता दिया, तो हम डायरेक्ट गूगल मैप के माध्यम से आपके आप जहाँ पे हो वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपने गूगल मैप में इंटर किए और आपकी जगह पे पहुँच गए, ठीक है। टोपोग्राफी मीन्स जो हम जहाँ पे हैं वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, ठीक है, वहाँ ज़्यादा बरसात होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। स्केल ऑफ द आवर्स, मंथ और ईयर, ठीक है, कौन सा सुबह का टाइम है कि शाम का या दोपहर का, कौन सा महीना या कौन सा ईयर है, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं विंड एनर्जी पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ विंड मिल्स, विंड मिल्स के कौन कौन से एडवांटेज हैं, ठीक है।
कौन कौन से फायदे हैं विंडमिल्स को स्टेबलाइज करने पे, वो क्या है, इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हमारा विंड मिल होता है, जो जो उससे हमको एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, वो क्या है, रिन्यूएबल नेचर का है। ठीक है, मीन्स इसे हम लगातार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये कभी खत्म होने वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये किस नेचर का है, रिन्यूएबल। इट इज़ नॉन पोल्यूटिंग एंड नॉन एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ती है। नो फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायरमेंट। इसके लिए, इस एनर्जी को पाने के लिए कोई भी फ्यूल या तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारा डीजल हो गया, जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं, नॉन कन्वेंशनल टाइप के, मीन्स नॉन रिन्यूएबल टाइप के, जैसे फ्यूल हो गए, जैसे हमारा डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ये क्या है, इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन बट हमारा जो विंड एनर्जी है, इसको हम कहीं पे भी विंड मिल को लगाए और हम अपनी विंड एनर्जी प्राप्त कर लिए। ठीक है, द कास्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज लो। विंड मिल की मदद से क्या होता है, एनर्जी बहुत ही कम रुपए में मिल जाती है। ठीक है, कास्ट बहुत कम लगता है, लागत। डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड मिल्स, विंड मिल के कौन कौन से नुकसान हैं, द अवेलेबल विंड एनर्जी इज डिल्यूट एंड फ्लैक्चुएटिंग इन नेवर। जो हमारा विंड एनर्जी अवेलेबल है वो प्रदूषित है और हमेशा बदलता रहता है। अनलाइक विंड एनर्जी रिक्वायर्स स्टोरेज कैपेसिटी बिकॉज ऑफ इट्स इरेगुलरिटी। ठीक है, मीन्स हवा कभी चलती है, कभी नहीं चलती, इसके कारण से विंड एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, विंड एनर्जी ऑपरेटिंग मशीन आर नॉइजली इन ऑपरेशन। जो हमारे विंड मिल्स होते हैं, विंड एनर्जी ऑपरेटिंग मशीन होते हैं, मीन्स विंड मिल होते हैं, वो जब चलते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण करते हैं। ठीक है, लार्ज एरियाज आर रिक्वायर्ड फॉर विंड मिल इंस्टॉलेशन। विंड मिल इंस्टॉल करने के लिए, मतलब विंड मिल लगाने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। ठीक है, द प्रेजेंट विंड मिल्स आर नाइदर मेंटेनेंस फ्री नॉर प्रैक्टिकली रिलेबल। जो हमारे इस टाइम के विंड मिल है, वो क्या है, मेंटेनेंस फ्री नहीं है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आया रहता है, मीन्स कोई ना कोई खराबी आई रहती है, और ये ज़्यादा भरोसे वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। टाइप्स ऑफ विंड मिल्स, अब विंड मिल्स के प्रकार, मीन्स विंड मिल कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विंड मशीन, या तो टर्बाइन, विंड मिल को हम क्या बोलते हैं, टर्बाइन भी बोल सकते हैं, यूज टू जे बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट। जो हमारा विंड मिल में रोटेटिंग शाफ्ट रहता है, उसके माध्यम से विंड मिल को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट वन क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल एंड वर्टिकल एक्सिस विंड मशीन। ठीक है, एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मशीन हो गया और एक वर्टिकल एक्सिस विंड मशीन हो गया, मीन्स दो भाग में विंड मिल को बांटा गया है। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं। द साइज ऑफ विंड मशीन वेरीज वाइडली। विंड मशीन के साइज भी बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, स्मॉल टर्बाइंस आर विंड मिल्स यूज टू पावर अ सिंगल होम आर बिजनेस में हैव अ कैपेसिटी ऑफ लेस देन 100 किलोवाट्स। जो स्मॉल साइज के विंड मशीन रहते हैं, उसे एक सिंगल हाउस या तो बिजनेस के लिए सप्लाई देने के लिए उपयोग में लेते हैं, जो कि 100 किलोवाट पावर का होता है, 100 पावर वाट से कम का होता है। ठीक है, सम लार्ज कमर्शियल साइज टर्बाइंस आर विंड मिल्स में हैव अ कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन वाट्स और 50 मेगावाट्स। ठीक है, कुछ बड़े साइज के जो हमारे टर्बाइंस होते हैं, विंड मिल्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, 5 मिलियन वाट्स या तो 5 मेगावाट्स होती है। ठीक है, लार्जर टर्बाइंस आर ऑफ्टन ग्रुपेड टुगेदर इनटू विंड फार्म्स दैट प्रोवाइड पावर टू द इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स। जो हमारे ये लार्जर साइज के टर्बाइंस या विंड मिल्स होते हैं, ये पावर ग्रिड को, इलेक्ट्रिकल ग्रिड को पावर सप्लाई करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है हमारा,
जो हमारे दो टाइप्स के विंड मिल हैं उसमें फर्स्ट वन क्या है हमारा, वर्टिकल एक्सिस विंड मिल, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस विंड मिल के भी, वर्टिकल एक्सिस विंड मिल को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है किस टाइप में, दो प्रकार में, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, सेबोनियस और एस टाइप विंड मिल, लो विंड टर्बाइन, लो विंड वेलोसिटी टाइप का है ये, ठीक है। सेबोनियस या तो एस टाइप विंड मिल, ठीक है, लो विंड वेलोसिटी, ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का एक पार्ट है। और दूसरा क्या है, डेरियस विंड मिल, हाई विंड वेलोसिटी, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड वन है टाइप का जो विंड मिल्स है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल, ठीक है। एक तो हमारा वर्टिकल एक्सिस विंड मिल हो गया और एक दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल। इसको भी ब्लेड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इसमें पंखे यूज होते हैं पंखियाँ, इसके अकॉर्डिंग इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, चार में, ठीक है। सिंगल ब्लेड विंड मिल्स, इसमें ब्लेड जिसमें एक ब्लेड लगा हो उस टाइप के विंड मिल्स, और जिसमें दो डबल ब्लेड विंड मिल्स, जिसमें दो ब्लेड लगे हों उस टाइप के विंड मिल्स, और मल्टी ब्लेड मीन्स मोर देन टू ब्लेड्स रहे तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टी ब्लेड्स विंड मिल्स, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें बहुत सारे ब्लेड्स लगे होते हैं। बाइसिकल मल्टी ब्लेड्स टाइप और सेल टाइप, ठीक है, विंड मिल, ये चार हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल के टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल एक्सिस विंड मिल्स होता क्या है, ठीक है। एक तो हमारा वर्टिकल एक्सिस विंड मिल है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल है। तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे सबसे पहले वर्टिकल एक्सिस विंड मिल्स के बारे में, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस विंड मिल्स आर टर्बाइन आर ऑफ सिंपल डिजाइन एज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। जो हमारे वर्टिकल एक्सिस विंड मिल हैं उसकी डिजाइनिंग सिंपल होती है, साधारण होती है, किसके कंपेयर में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल के कंपेयर में, ठीक है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन इज वर्टिकल टू द ग्राउंड एंड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, जो हमारा एक्सिस है किसका, शाफ्ट का, ठीक है, जो हमारा शाफ्ट का एक्सिस है वो कैसे रोटेट करेगा इसमें वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन में, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड एंड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन, ठीक है। दीज टर्बाइन्स कैन रिसीव विंड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, इस टाइप के टर्बाइन किसी भी दिशा से हवा आ रही है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, मतलब लेते हैं, ठीक है, उससे भी चलते हैं, मतलब चाहे वेस्ट से हवा आए, चाहे साउथ से, चाहे नॉर्थ से, मतलब चाहे जिस डायरेक्शन से हवा आती है उससे ये विंड डायरेक्ट, ये विंड मिल्स क्या होते हैं, वर्टिकल एक्सिस विंड मिल ऑपरेट होते हैं, ठीक है। द जनरेटर एंड द गियर बॉक्स ऑफ द सच सिस्टम्स कैन बी हाउसेस एट द ग्राउंड लेवल, जो हमारा वर्टिकल एक्सिस विंड मिल्स है उसमें गियर बॉक्स हो गया, ठीक है, जनरेटर्स हो गया, वो कहाँ पे लगे रहते हैं, कैन बी हाउसेस एट द ग्राउंड लेवल, वो जमीन पर लगे रहते हैं, ठीक है, मतलब नीचे, विच मेक्स द टावर डिजाइन सिंपल, जिसके कारण से विंड मिल का टावर डिजाइन बहुत ही सिंपल हो जाता है। टावर डिजाइन में जो ये खंभे में ब्लेड्स लगे रहते हैं, ठीक है, जितने भी ब्लेड्स लगे रहते हैं खंभे में, जो खंबा रहता है उसी को बोलते हैं टावर, ठीक है। तो टावर डिजाइन इससे सिंपल हो जाता है, मीन्स जनरेटर गियर बॉक्स वगैरह सब नीचे लगे रहते हैं तो टावर डिजाइनिंग बहुत ही साधारण हो जाती है एंड मोर इकोनॉमिकल और सस्ती भी हो जाती है, ठीक है। मोरेवर द मेंटेनेंस ऑफ दीज टर्बाइन कैन बी डन एट द ग्राउंड लेवल, इस टाइप के टर्बाइन की मेंटेनेंस ग्राउंड लेवल पर ही हो जाती है, क्योंकि जनरेटर गियर बॉक्स वगैरह सब ग्राउंड लेवल पे ही लगे रहते हैं, ठीक है। द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल एक्सिस मशीन्स आर दैट दीज टर्बाइन यूजली नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, इस टाइप के जो वर्टिकल एक्सिस विंड मिल्स हैं इस टाइप के मिल्स सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ये इसकी मेन कमी है, ठीक है। एडिशनल मैकेनिज्म में बी रिक्वायर्ड टू पुश एंड स्टार्ट द टर्बाइंस वन
इट इज स्टॉप, ठीक है। अगर ये एक बार बंद हो जाता है तो एक एडिशनल मैकेनिज्म की जरूरत होती है इसको दोबारा से चालू करने के लिए, इसको रीस्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस विंड मिल्स का, ठीक है। देखिए अब ये इसका ब्लेड्स हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ब्लेड्स हो गया। अब इस पर किसी भी डायरेक्शन से हवा आ रही है, ठीक है, कोई प्रभाव पड़ रहा है, ये तो रोटेट ही करेगा, ठीक है ना। देखिए गियर बॉक्स कहाँ है, ग्राउंड लेवल पे। जनरेटर कहाँ है, ग्राउंड लेवल पे। मीन्स सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे हैं, तो क्या हो गया, ये ग्राउंड लेवल पे ही इसकी मेंटेनेंस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए रोटेशन कैसा है, वर्टिकल है, ठीक है। ये ब्लेड कैसे रोटेट करेंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो हमारा शाफ्ट है वो कैसे रोटेट करेगा, इसी डायरेक्शन, मीन्स वर्टिकली रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे। ये देखिए ये ऐसे रोटेट कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस विंडमिल में ऐसे हमारा जो एक्सिस है ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। अब क्या है इसमें, फर्स्ट टाइप है सोबियस और एस टाइप विंडमिल्स, ठीक है। दिस मशीन हैज बिकम पॉपुलर सिंस इट रिक्वायर्स लो विंड वेलोसिटी फॉर ऑपरेशन। जहाँ पे हवा की गति बहुत धीमी होती है वहाँ पे सोबियस और एस टाइप विंड मिल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सिलेंडर विच आर माउंटेड ऑन अ वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड विच अ गैप एट द एग्जिस्ट बिटवीन द टू सिलेंडर्स। इसमें मतलब दो सिलेंडर टाइप के ब्लेड लगे रहते हैं, उनके दोनों के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, जिसमें हवा आकर इंटर्स होती है और वो रोटेट करती है ब्लेड्स को, ठीक है। टू हाफ सिलेंडर्स फेसिंग ईच अदर फॉर्मिंग एस शेप क्रॉस सेक्शन। जब वो दो ब्लेड्स लगते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो इस एस शेप में लगते हैं, ठीक है। अभी डायग्राम में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो इस शेप में लगेंगे, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द विंड डायरेक्शन द रोटर रोटेट्स। किसी भी डायरेक्शन से हवा आएगी, रोटर क्या है, रोटेट्स होंगे। फ्रॉम द रोटर शाफ्ट वी कैन टैप पावर फॉर आवर यूज लाइक वाटर पंपिंग, बैटरी चार्जिंग, ग्रैंड विनोविंग, ठीक है। फ्रॉम द रोटर शाफ्ट मीन्स रोटर शाफ्ट से हम पावर को अपने कृषि कार्यों के लिए मतलब ले सकते हैं, चाहे पंपिंग करने के लिए, चाहे बैटरी चार्जिंग के लिए, चाहे विनोविंग के लिए, ग्रैंड विनोविंग के लिए, ठीक है। सैबोनियस विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम हैज अ वर्टिकल एक्सिस विच एलिमिनेट द एक्सपेंसिव पावर ट्रांसमिशन सिस्टम फ्रॉम द रोटर टू द एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस होने के कारण सैबोनियस विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम क्या है, वर्टिकल होने के कारण, वर्टिकल एक्सिस होने के कारण इसमें पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द रोटर टू द एक्सिस। एक्सिस मीन जहाँ से हम पावर को लेंगे अपने कार्य के लिए, ठीक है, वहाँ तक पावर ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारे खर्चे नहीं करने पड़ते हैं, वो इजीली हमको पावर मिल जाता है रोटर से, ठीक है। उसमें बहुत से पार्ट्स भी एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, उसका बहुत सारे पार्ट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, मतलब बहुत कम पार्ट्स में ही हम पावर को रोटर से ले सकते हैं, ठीक है। सिंस इट इज अ वर्टिकल एक्सिस मशीन इज इट डन नॉट मैटर्स मच अबाउट द विंड डायरेक्शन। इस टाइप के मशीन में किसी भी डायरेक्शन से हवा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। द मशीन परफॉर्म इवन एट लोअर विंड वेलोसिटी रेंज 8 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर्स। दिस डिजाइन इज इफिशियंट बट रिक्वायर्ड अ लार्ज सरफेस एरिया। इस टाइप का डिजाइनिंग बहुत ही उचित है, लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया लगता है, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारा ब्लेड्स है ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है, क्या हो रहा है, ये एस फ्रेम में कन्वर्ट हो रहा है ना। देखिए यहाँ देखिए ये लगभग इस टाइप का एस शेप में बन रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको सैबोनियस या तो एस टाइप विंड मिल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एस शेप में है ना। जो हमारा दूसरा टाइप है वो क्या है, डेरियस विंड मिल्स। किस टाइप का, वर्टिकल एक्सिस विंड मिल में दूसरे टाइप का है डेरियस विंड मिल्स। इट रिक्वायर्ड लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू सैबोनियस टाइप, ठीक है। इसमें कम एरिया लगता है, किसके कंपेयर में, इसके इंस्टॉलेशन में कम एरिया लगता है
मतलब कम जगह लगती है किसके कंपेयर में, सबोनियस टाइप के, ठीक है। इन दिस मशीन द ब्लेड्स आर कर्वेड एंड अटैच टू द हब्स ऑन द वर्टिकल शाफ्ट एट बोथ इन टू फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर, द ब्लेड्स लुक लाइक एन इग बेटर, ठीक है। जो इसमें ब्लेड्स लगे रहते हैं वो उनको वो कैसे लगते हैं, एक अंडे कार की तरह, ठीक है, मीन्स इस शेप में, ठीक है, एक अंडाकार शेप में लगते हैं, ठीक है। डेरियस रोटर्स हैव थ्री सिमेट्रिक एरोफाइल्स ब्लेड्स बोथ एंड ऑफ विच आर अटैच्ड टू अ वर्टिकल शाफ्ट, इसमें तीन ब्लेड्स लगे रहते हैं जो वर्टिकल शाफ्ट में जुड़े रहते हैं, ठीक है। द ब्लेड्स आर मेड लाइटर, ब्लेड्स कैसे होते हैं, बहुत ही हल्के बने होते हैं, ठीक है। वेन रोटेटिंग दीज एरोफाइल्स ब्लेड प्रोवाइड अ टॉर्क अबाउट द सेंट्रल शाफ्ट इन रिस्पॉन्स टू अ विंड डायरेक्शन, वेन रोटेटिंग दीज एरोफाइल्स ब्लेड्स, जब ये एरोफाइल्स ब्लेड जो है रोटेट करते हैं, प्रोवाइड अ टॉर्क अबाउट द सेंट्रल शाफ्ट, ये सेंट्रल शाफ्ट को क्या देते हैं, टॉर्क देते हैं विंड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दिस शाफ्ट टॉर्क इज ट्रांसमिटेड टू अ जनरेटर, इस शाफ्ट का जो टॉर्क है वो जनरेटर को जाता है एट द बेस ऑफ द सेंट्रल शाफ्ट फॉर पावर जनरेशन, सेंट्रल शाफ्ट के बेस से होता हुआ जनरेटर को जाता है किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए। बोथ सैबोनियस एंड डेरियस टाइप रोटर्स रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड बिकॉज दे रोटेट्स अबाउट अ वर्टिकल शाफ्ट, जो हमारा ये सैबोनियस और डेरियस टाइप का विंड मिल है, ये इस पर विंड डायरेक्शन का मतलब हवा की दिशा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि ये रोटेट करते हैं वर्टिकल शाफ्ट पे, ठीक है। इसमें जो ब्लेड्स लगे रहते हैं वो कहाँ रोटेट करते हैं, वर्टिकल शाफ्ट पे, ठीक है। मेजर एडवांटेज ऑफ डेरियस विंड मिल्स इज दैट द रोटर ब्लेड्स कैन एक्सेप्ट द विंड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द कंपास, मेजर एडवांटेज जो सबसे बड़ी फायदा है वो क्या है डेरियस टाइप विंड मिल में, वो किसी भी दिशा से हवा आ रही है तो क्या होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है और जो ये ब्लेड्स हैं रोटेट करने लगते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है, देखिए इसके जो ब्लेड्स लगे हैं ये पूरे अंडेकार शेप के हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जनरेटर बेस ग्राउंड बेस पे है, ठीक है, वर्टिकल शाफ्ट है, ये रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये क्या है एरोफॉइल्स ब्लेड्स हैं, ये तीन इसमें एरोफॉइल्स ब्लेड्स लगे हैं, एक दो और तीन, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल एक्सिस विंड मिल्स, अब वर्टिकल एक्सिस विंड मिल के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। सिंस वर्टिकल एक्सिस विंड मिल्स आर माउंटेड क्लोजर टू द ग्राउंड दे मेक्स मेंटेनेंस इजियर, रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आर मोर बर्ड्स फ्रेंडली एंड डज नॉट डिस्ट्रॉय द वाइल्ड लाइफ, जो हमारा वर्टिकल एक्सिस विंड मिल है वो ग्राउंड पर ही लगा होता है और मेंटेनेंस उसका बहुत ही साधारण तरीके से हो जाता है और कंस्ट्रक्शन कास्ट भी मतलब उसको लगाने में बहुत कम लागत लगती है इंस्टॉलेशन में, और ये पक्षियों पे भी ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। नो नीड एनी मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू ऑपरेट विंड मिल्स, ठीक है, विंड मिल को चलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। लोअर विंड स्टार्टअप स्पीड, अगर हवा की गति धीमी भी है तब भी हमारा विंड मिल जो है वर्टिकल विंड मिल चल जाएगा, ठीक है। इट डज नॉट नीड टू बी पॉइंटेड टूवर्ड द विंड टू बी इफेक्टिव, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि जिस दिशा से हवा आ रही है उस दिशा में ये रोटेट करे इसके ब्लेड्स, ठीक है। वर्टिकल विंड मिल्स आर क्वाइट इफिशियंट, इकोनॉमिकल एंड परफेक्ट फॉर रेसिडेंशियल एनर्जी प्रोडक्शन स्पेशली इन अर्बन, ठीक है। जो हमारा वर्टिकल एक्सिस विंड मिल है वो अर्बन एरिया में स्पेशली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं,
डिक्रीज लेवल ऑफ एफिशिएंसी व्हेन कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल के विंड मिल से कंपेयर करें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल से कंपेयर करें तो इसकी एफिशिएंसी कम है। ठीक है, अनेबल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द विंड स्पीड दैट अकर्स एट हाइयर लेवल। अगर तेजी से हवा बहती है तब भी क्या होता है, विंड स्पीड दैट अकर्स एट हाइयर लेवल, तब भी ये उसका फायदा नहीं उठा सकता है। ठीक है, मीन्स जैसा कि हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल में है, अगर हवा तेज गति से बह रही है तो हमारा विंड टर्बाइन विंड मिल जो है बहुत तेजी से चलेगा, लेकिन इसमें क्या है, इस तेज हवा का कोई भी फायदा नहीं होता। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस विंड मिल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू इरेक्ट ऑन टावर विच मीन्स दे आर इंस्टॉल्ड ऑन बेस सच एज ग्राउंड आर बिल्डिंग। इसको टावर्स पे इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, या जमीन पर या तो ग्राउंड या तो बिल्डिंग पर हो सकता है इजिली। ठीक है ना, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया विंड एनर्जी के बारे में और वर्टिकल एक्सिस विंड मिल्स के बारे में। ठीक है, इसके अगले पार्ट में, इस लेक्चर के अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल्स और विंड एनर्जी के क्या क्या एप्लीकेशन है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।